चलो इसका बताओ, फर्स्ट का। संस्कृत में क्लासिफाइड एस एरेनियस एसिड एसिड तो बेस है वो न्यूट्रल डी होना चाहिए। अरे एसिड, ओ सॉरी सॉरी वो एच लगा है ए होना चाहिए। देखो हमने जो मैंने बोला था ना, एसिड और बेस की तीन डेफिनेशन है ना, और मैंने एक ही हाँ बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने एसिड की? जी जो एच प्लस आयन देते हैं। हाँ ये ना एरहेनियस एसिड होते हैं, ठीक है। हाँ जी एक्चुअली तीन तरह के एसिड होते हैं, एरहेनियस एसिड, फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड, ये ब्रॉन्स्टेड की स्पेलिंग मुझे लगता है गलत है। फिर है लुईस एसिड, ठीक है। हाँ जी आरहेनियस एसिड वो होते हैं जो एच प्लस देते हैं, ठीक है, एच प्लस हाँ जी डोनर्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड भी वही होते हैं, एच प्लस डोनर। आरहेनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड सेम ही होते हैं, ठीक है। हाँ जी लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, हाँ जो इलेक्ट्रॉन को ले ले उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, ठीक है। जी एच प्लस क्या? एच प्लस तो प्रोटोन ही है ना। तो लुईस एसिड्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता होगा नहीं, एच प्लस इलेक्ट्रॉन इधर। एक्सेप्ट करते हैं, वो देते थोड़ी हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हाँ तो इलेक्ट्रॉन सर आ जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। हाँ नहीं देखो, मान लो एच प्लस है, ठीक है, जी मान लो इसने ओएच नेगेटिव ले लिया तो H2O बन गया ना। हाँ अब वो तो इसने सही। क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो न्यूट्रल हो गया। तो वो नहीं तुम कह सकते वो हाँ नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, ये नहीं पता। ठीक है तो अभी इतना डिटेल में मत जाओ, अभी जस्ट इतना देख लो कि लुईस एसिड की तीन डेफिनेशन होती है, आरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस। आरहेनियस वो होते हैं जो एच प्लस डोनेट करते हैं, एच प्लस जी प्रोटोन ही होता है, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है ना। नहीं सर हाँ, तो प्रोटोन डोनर्स होते हैं वो एसिड होते हैं, तो अगर प्रोटोन डोनर्स एसिड है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी एसिड ही होते हैं, ठीक है। हाँ जी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले केस अभी हमने करने नहीं हैं। ठीक है सर इसी तरह से तीन डेफिनेशन होती है बेस की, आरहेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस, वो बाद में देखेंगे। तो वन हाँ जी इज फर्स्ट इज आरहेनियस एसिड, सेकंड जो बताओ। प्रोटॉन डोनेट करता दीज आर अल्टरनेट एसिड बेस थ्योरीज दैट डिफाइन अ डोनेट अ प्रोटॉन और एक्सेप्ट एन हाँ, इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या प्रोटॉन डोनेट करे, दोनों एसिड ही होंगे। ये होंगे लुईस एसिड, और वो होंगे ब्रॉस्टेड या रेनियस। ब्रॉन्स्टेड या एरहेनियस, है ना, एरहेनियस हाँ या जी ब्रॉन्स्टेड एसिड। चलो अगला बताओ। गिवन इक्वेशन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगी। ये न्यूट्रलाइजेशन है, एच प्लस मतलब एसिड है, ओ एच नेगेटिव और बेस है ब्लू ना, ये। हाँ जी और वाटर बना दिया हमने, सॉल्ट नहीं लिखा बस यहाँ पे। वो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा साथ में, जो इसका काउंटर आयन्स होंगे वो तो बनाएंगे ना सॉल्ट, है ओके ना। जैसे जैसे एच सी एल, एच सी एल क्या होता है? एच सी एल एच प्लस और सी एल नेगेटिव ही होता है ना। एन ए ओ एच, एन ए ओ एच क्या होता है? एन ए प्लस और ओ एच नेगेटिव ही होता है ना। ओके हाँ जी तो और फिर ये मिलके क्या बन जाता है? NaCl और H2O। तो अच्छा NaCl हाँ तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही होता है ना। हाँ जी तो रिएक्शन तो एक्चुअली यही हो रही है ना। H, देखो आपने क्या करा, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आपने NaOH और HCl डाल दिए, तो इसमें कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे? Na प्लस आयन है ना, हाँ जी OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, ये आयन प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। हाँ NaOH एज ए मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं होगा ना, या होगा? नहीं नहीं होगा, वो स्ट्रांग है ना, वो टूट जाएगा पूरा, है ना। HCl भी एज ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्योंकि H प्लस और वीक Cl है। नेगेटिव में टूट जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड है, ठीक है ना। हाँ जी फिर क्या, फिर इनमें जब रिएक्शन होती है तो ये बन जाता है NaCl और H2O। हाँ जी तो मान लो इनकी रिएक्शन हो गई, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? NaCl और H2O बन गया ना।
ये हाँ जी तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और वाटर। हाँ अब वाटर जो है वो H प्लस और OH नेगेटिव में थोड़ा सा टूटता है, बहुत ज्यादा नहीं टूटता, ठीक है। डेल्टा चार्ज आ जाता है। तो देखो अब क्या है, सब बिफोर रिएक्शन ये आयन प्रेजेंट थे, आफ्टर रिएक्शन क्या है, ये प्रेजेंट है ना। हाँ Na तो ऐसे ही घूम रहा है यार पानी में, हम्म, Cl भी ऐसे ही घूम रहा है, तो हो क्या रहा है, रिएक्ट तो ये दोनों कर रहे हैं आपस में, हाँ जी H प्लस और OH नेगेटिव रिएक्ट करके वाटर बन रहे हैं, रिएक्शन तो इन्हीं में हो रही है। तो हाँ जी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें रिएक्ट कौन कर रहा है, H प्लस और OH नेगेटिव, तो ये वैसे ही न्यूट्रलाइजेशन है, वो जो बाकी बच गया वो तो ऐसे ही घूम रहा है पानी में, है ना। हाँ जी। चलो फोर्थ का बताओ। सी होना चाहिए, सॉर टेस्ट। हाँ एसिड्स का टेस्ट सॉर होता है। फिफ्थ बताओ। हाइड्रोजन आयन्स, एसिड पानी में डिजोल्व करता है तो एच प्लस आयन, करेक्ट। सिक्स्थ बताओ। रेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर ये ट्रू और फॉल्स इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? अरे यार तो फिर मत करो ना उसको टेक। सर मुझे नहीं, ये ए बी सी डी तीन ऑप्शन है, ये फॉल्स होगा फिर। नहीं फॉल्स है, ऐसे थोड़ी होता है, NaCl NaOH के साथ रिएक्ट करके HCl थोड़ी बनता है ना। हाँ हाँ नहीं। अगला बताओ। मोस्ट ऑफ मेटल्स कंबाइन विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अ मेटल बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ऑल ऑफ दीज होना ऑल चाहिए। ऑफ दीज है ना, मेटल फॉर एग्जांपल जिंक, ये H2SO4 के साथ मान लो रिएक्ट करता है, तो क्या कर रहा है ये, सॉल्ट बनाएगा एक तो, है ना, मेटल सॉल्ट। और इसने किया क्या है, H प्लस को यहां से डिस्प्लेस कर दिया ना हाँ जी, और और फिर गैस गैस बना दी, H2 बन गैस, हाइड्रोजन गैस बन गया, मेटल सॉल्ट बन गया, और एसिड से इसने गया। H प्लस को कर दिया डिस्प्लेस, करेक्ट। हाँ जी अगला देखो। हाँ जी। एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, ये हाइड्रोजन होगा। करेक्ट, हाइड्रोजन सब में होता है ना। व्हेन वाटर सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड अगेन ये कैन आरहेनियस बी एसिड्स में होता है, लुईस एसिड में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आरहेनियस में होता है। हाँ ठीक है। अगला बताओ। चलो When water solutions of an acid and base are mixed, इसका C होना चाहिए, salt and करेक्ट, water। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। 10th बताओ। Soluble in water, C part। करेक्ट, एल्कली वो बेस होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है, सारे बेस पानी हाँ। में सॉल्युबल नहीं होते। Oxides of metal on reaction with acids, metal plus मेटल प्लस एसिड, मेटल इटसेल्फ बेस। इसका ऑल नहीं, ऑल थ्री आर पॉसिबल होगा। सी आंसर है इसका, मेटल ओके ऑक्साइड्स आर फॉर्म, बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, याद है, सर एक सेकंड वो देख लेता देखो हूँ। नोट्स में। करेक्ट, रिएक्शन विद एसिड, हाँ ठीक है सर। मैंने ये कराया होगा, CuO हाँ जी प्लस HCl, CuCl2 प्लस H2O है ना रिएक्शन, ये जी यही है क्या, नहीं, तो क्या है, Zn प्लस HCl वाला भी दिया था एक आपने। नहीं, ऑक्साइड्स में अच्छा ऑक्साइड्स में, मेटल नहीं है ना, ये मेटल ऑक्साइड है भाई। देख नॉन भाई रिएक्शन, मेटल, मैं बस बाल देख लेता हूँ। कल तो करवाया, पता नहीं कैसे रह गया, मैंने तो सारा नोट करा था कल। ये मैंने कराया है, देख लेना, ठीक है, हाँ जी कहां से देखोगे अब। हाँ हाँ मिल गया, CuO प्लस, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, हाँ सॉल्ट प्लस, हाँ मिल गया, बिल्कुल एंड में था। देखो ये एग्जांपल थी ये जिसमें कॉपर टू लेते होते हैं। मैं यहां पे ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल है, मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तुम इसको मेटल हाँ लिए जा रहे हो कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल थोड़ी हो रहा है, ठीक है, ओके, मैटर, इसमें कॉपर टू लेते होते हैं। कोई ले लो, मैं तो एग्जांपल है, मैं तो
मेटल तो ऑक्साइड्स आर आपको, बेसिक इन नेचर, ये बात पता है ना? हाँ जी तो अगर वो कल ही था। बेसिक है तो फिर क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा ना। हाँ जी हाँ चलो अगला बता। फिर है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद बेसिस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं नेचर में? एसिडिक। एसिडिक होते हैं, बेस के साथ वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, है ना। हाँ जी थर्टींथ बताओ। एसिड्स एंड बेसिस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। फोर्टींथ सम ऑफ मेटल्स लाइक जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज लाइक NaOH टू लिबरेट। इसमें जिंक प्लस NaOH होगा, ये वाला नहीं हो जाता। जिंक प्लस एन ए प्लस ओ एच, ये बनता है सोडियम जिंकेट Na2 प्लस Zn एच प्लस टू H2। कराया था ना ये, हाँ जी कि बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, लेकिन कुछ ही मेटल्स होते हैं जो ऐसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं हम लोग। तो बेसन गाल जीत पर कराया था ना, बेरिलियम जिंक टिन लेड एल्यूमिनियम गैलियम, है ना। हाँ जी ये हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं बेस के साथ भी, ठीक है देखना सर। है ये नोट्स में देखो। मिल गया सोडियम जिंकेट बनता होता है। हाँ 15th बताओ। मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गेट। एक सेकेंड सर ये मुझे याद तो होता है। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनता होता है। ऑल ऑफ दीज आयन। करेक्ट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, रट लो इस रिएक्शन को। ठीक है हाँ अगला। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट टू तो सही है, तो फिर डी पार्टी आना चाहिए। ये टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड था ना, उसको लाइम हाँ वाटर से जी पास करो तो मिल्की हो जाएगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और अगर बहुत सारा और भी उसमें CO2 पास करते रहोगे तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, तो वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, इसलिए मिल्कीनेस खत्म हो जाएगा, है ना। अगला बताओ। 17th इसका है एसिडिक के नेचर करेक्ट, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर सिमिलर बिकॉज इसका ए पार्ट आना चाहिए। ए आएगा, पानी में वो एच एच एक्वस में टू वो एच प्लस देते हैं, सॉलिड में नहीं देते। ठीक है हाँ जी 20th। एडिशन ऑफ वाटर टू एन एसिड और बेस इज हाईली हाय ऑल ऑफ दीज ही आना चाहिए ऑल इसका। ऑफ दीज, एसिड और बेस को पानी में डालोगे तो रिएक्शन बहुत हीट इवॉल्व करती है, एक्सोथर्मिक होती है, तो उससे स्प्लैश हो सकता है मिक्सचर, और लोकल हीटिंग से ग्लास कंटेनर ब्रेक भी कर सकता है। ओके मेरा फर्स्ट टू का था तो वो हो गया। हाँ ऑल ऑफ दिस ठीक है ना। हाँ जी